हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत आसान सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ख़ास तौर पे ये हमारे बिगनर्स के लिए है जो कि सीधा और उल्टा बनाकर एक अच्छी सी डिज़ाइन बना सकें बहुत आसानी से। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए थोड़ा सा पैटर्न ये बना के रखा हुआ है, और इस सिलाई में आपको इस डिज़ाइन के लिए आपको 5 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं। और ये मैं बता दूं कि सीधी तरफ से डिज़ाइन हम ध्यान रखेंगे डिज़ाइन का, और उल्टी तरफ से हमें पूरा उल्टा बुनना है, नॉर्मल उल्टा जैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने थोड़ा सा बना के रखा हुआ है, और इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसे हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 35 फंदों में आपको पूरा ये पैटर्न बना के दिखाया है। तो अब मैं आपको थोड़े से फंदों में बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 15 फंदे डाले हैं 5 के मल्टीपल में, और अब मैं इसमें बनाऊंगी डिज़ाइन। तो देखिए यहाँ पे मैंने सीधा और उल्टा एक बुनकर इसको एक बॉर्डर की तरह बना लिया है। उसके बाद हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो पहले हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे। पांच फंदे सीधे, अब हमें 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। ऊन आगे करेंगे और 5 फंदे उल्टे बनाएंगे हम। फिर उसके बाद 5 फंदे सीधे। अब इसमें आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में सीधे ही आने चाहिए। जितने भी आप फंदे रखेंगी उस हिसाब से लास्ट में उल्टे या सीधे कुछ भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगी पहली सिलाई, दूसरी सिलाई आप नॉर्मल उल्टी बनाएंगी। तो उल्टी सिलाई मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हमें कैसे उल्टी सिलाई बनानी है। इस तरीके से हम सारी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो इस तरीके से तो देखिए ये मैंने आपको एक बार ये उल्टा पूरा बुनकर दिखा दिया है। अब अगली बार मैं आपको ये बुनकर नहीं दिखाऊंगी उल्टी सिलाई, सिर्फ मैं सीधा आपको बताती जाऊंगी कि हमें कैसे इस डिज़ाइन को बनाना है। तो देखिए इस डिज़ाइन को हम बच्चों में भी डाल सकते हैं, बड़ों में भी डाल सकते हैं, और इवन आप मफलर बनाना चाहें या ब्लैंकेट बनाना चाहें, शॉल बनाना चाहें, ये सभी में ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी। तो देखिए ये बहुत इजी सी डिज़ाइन है। तो अब देखिए हमें क्या करना है। अब जैसे हमने 5 फंदे सीधे फिर 5 उल्टे सीधे ऐसे बनाए हैं, तो अब हमें 5 जो सीधे थे उसमें से हमें एक एक माइनस करना है। तो अब हम 4 सीधे बनाएंगे, उसके बाद फिर हमें 5 उल्टे बनाने हैं। तो देखिए अब हम 4 सीधे बनाएंगे, चार सीधे बनाए। अब फिर हमें यहाँ पर एक फंदा हम सीधा वाला ले लेंगे उल्टा, और फिर हमें जो 5 हमने उल्टे बनाए हैं उसमें से 4 उल्टे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कितने हो गए, 4 और एक ये 5। ऊन पीछे करेंगे देखिए इस तरीके से। फिर से हम इसके बाद शुरू में सिर्फ हमें माइनस करने हैं, उसके बाद हमें जो जैसे हम बना रहे थे वैसे बनाएंगे। 5 सीधे, तो देखिए 5 सीधे बनाने के बाद एक फंदा जो हमने यहाँ पे माइनस किया वो आपको इधर ऐड हो जाएगा। तो 5 फंदे सीधे बनाने के बाद आप एक फंदा उल्टा बनाएंगी जो हमारे डिज़ाइन है बेसिक जो है। इसके बाद फिर से हम उल्टा बुन लेंगे पूरा। तो मैं उल्टा बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये हमने 2 सिलाइयाँ बनाई हैं। ये देखिए 2 लाइनें बनी हैं। ये नीचे का पार्ट हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये मैंने सिर्फ सीधा और उल्टा बुनकर एक बेस बनाया था। तो देखिए ये जो लाइन है ये हमने दो दो की 4 सिलाइयाँ बनाई हैं। अब देखिए हमने शुरू में 4 थे सीधे, तो अब हमें 3 बनाने हैं। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे 4 सीधे, 1 2 3 4। तो अब हमें ये 3 सीधे बनाने हैं, फिर हमें यहाँ से उल्टा बनाना है।
बस सिर्फ हमें इस डिज़ाइन में इसी को ध्यान रखना है कि शुरुआत हम 5-5 से करेंगे, फिर हम इसको माइनस करते जाएंगे और ये हमारी डिज़ाइन इस तरीके से तिरछी जाती बनती हुई जाएगी। जैसे देखिए इसमें मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इस तरीके से आप इधर से माइनस करते जाएंगे, ये डिज़ाइन हमारी इस तरीके से बनती जाएगी, देखिए इस तरीके से। तो अब हमें 3 फंदे बनाने हैं सीधे, दो तीन बन गए। अब हमें यहाँ से उल्टी बुनाई करनी है, 5 उल्टे बनाएंगे हम, 2 3 4 5, 5 उल्टे के बाद हमें 5 सीधे बनाने हैं, 2 3 4 5। अब जो ये आगे जो ये माइनस होता जा रहा है, ये हम ये देखिए यहाँ पे प्लस होता जाएगा, जब लास्ट में हमारे फंदे ये प्लस होते जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमें इसे सीधा बना लेना है, सॉरी इसे अब हम उल्टा बनाएंगे, सीधे के बाद उल्टा आएगा, तो उल्टा बना लिया। अब ये देखिए ये आपको थोड़ी सी डिज़ाइन समझ में आने लगे होगी, तो देखिए ये ऐसे हमारी ये डिज़ाइन तिरछी जाएगी। अब यहाँ से देखिए ये सीधा है और इधर पीछे जो एक्स्ट्रा फंदे जो इधर माइनस हो रहे थे इधर प्लस हो रहे थे वो अब यहाँ पे उल्टे आते जाएंगे। तो 5-5 को सेट करते हुए जाना है, शुरू में माइनस करते हुए फिर पीछे हमें बिल्कुल वैसे ही बनाना। तो अब हमें 3 से 2 फंदे सीधे बनाने हैं, दो फंदे सीधे, फिर से 5 उल्टे, 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 2 थे, अब ये 3 हो गए, 3 उल्टे बन गए यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पे 2 फंदे सीधे शुरू में बचे हैं, तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ 1 बनाना है, फिर उसके बाद 5 उल्टे बनाएंगे, 5 सीधे बनाने के बाद जो फंदे बचे हुए हैं उन्हें हम उल्टा बनाएंगे, 4 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब ये देखिए लास्ट में 1 फंदा सीधा बचा है, इसे हम सॉरी यहाँ पे हम इसको अब यहाँ से हम लास्ट से ही उल्टा बनाएंगे। अब देखिए ये माइनस करते करते जो हमने शुरुआत सीधे से की थी, तो अब ये लास्ट देखिए यहाँ पे हमारे फंदे उल्टे आ गए हैं। तो इस तरीके से ही ये डिज़ाइन बनेगी। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसे हम सेट कैसे करेंगे, 4 और ये 5, और देखिए लास्ट में हमारे यहाँ पे सीधे थे तो अब ये उल्टे बन गए। तो यहाँ पे ये देखिए आप इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारी बन गई। तो देखिए यहाँ पे हमने शुरुआत इससे सीधे से की थी, 5 सीधे 5 उल्टे 5 सीधे, अब ये देखिए माइनस होते होते यहाँ पे ये हमारा जो है उल्टा फंदा आ गया और यहाँ बीच में हमारा सेंटर में सीधा और फिर उल्टा। तो अब हमें कंटिन्यू ऐसे करना है कि अब हमें इसको माइनस करते हुए जाना है, जैसे हमने सीधे को माइनस किया वैसे ही हम अब ये 5 उल्टे हैं तो अब हम 4 बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है 5 सीधे बनाएंगे, फिर यहाँ से 5 उल्टे बनाएंगे और लास्ट में 1 सीधा।
तो इस तरीके से ये पूरी तिरछी लाइन हमारी, ये डिज़ाइन पूरे ओवरऑल जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें बनती हुई जाएगी। इसी तरीके से आप जैसे 5 फंदे हैं तो आप ज़्यादा फंदों में भी बना सकते हैं, और या तो आप 3 फंदों में 2 फंदों में भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये आपको बनाकर दिखा दी ये डिज़ाइन, देखिए इस तरीके से। तो अगर ये आपको डिज़ाइन सिंपल सी है, अच्छी लगती है, तो मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक किया करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।